गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 की हिंदी पुस्तिका व्याकरण का प्रथम यानी पहला पाठ भाषा बोली लिपि और व्याकरण इन चार बिंदुओं पर आधारित व्याकरणिक भाषा पढ़ेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि इन बिंदुओं का हमारे पाठ्यपुस्तक में क्या महत्व है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सबसे पहले इन बातों का होना अति आवश्यक माना गया है। व्याकरण को समझने से के लिए हमें भाषा बोली और उसकी लिपि जानना अति आवश्यक है। कोई भी विषय जो पढ़ा जाता है वो भाषा के आधार पर पढ़ा जाता है और उसकी जो भी लैंग्वेज होती है उसका एक व्याकरण निश्चित होता है। व्याकरण हमेशा उस भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और पढ़ना सिखाता है। तो आइए उसी बात को लेकर हम अपने जो पहला अध्याय है, पहला पाठ है व्याकरण का, उसके मुख्य बिंदु है उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। व्याकरण के अंदर सबसे पहला जो बिंदु हमारा है भाषा। भाषा से तात्पर्य लैंग्वेज है। लैंग्वेज उसे कहा गया है या भाषा उसे कहा गया है जिसके अंतर्गत मानव अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाता है तथा दूसरे की बातों को अपनी तरफ समझता है। तो देखिए, जब एक भाषा का तालमेल होगा, जब आपस में सामंजस्य होगा, तभी उनका विचारों का आदान प्रदान होगा। तो देखिए, उस विचारों को आदान प्रदान करने के लिए एक भाषा निश्चित होती है, चाहे वह अलग अलग हो। तो देखिए, इसलिए कहा गया है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर लिखकर पढ़कर अथवा उसको सुनकर अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। वही भाषा है, यानी अपनी बातों को उस व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, उस व्यक्ति की बातों को हम समझा सकते हैं। तो वही जो हमारे आपस में तालमेल बनाने के लिए, सामंजस्य बनाने के लिए जो वार्तालाप किया जाता है, वही एक भाषा कहलाती है। भाषा को पढ़ने के लिए या सुनने के लिए हम इसके दो रूप या दो भेद के रूप में जानते हैं। तो भाषा को पढ़ने के लिए मुख्य रूप से दो रूप या दो भेद कहलाते हैं। उसके अंतर्गत सबसे पहले भाषा का जो रूप है वह है मौखिक, दूसरा है लिखित। मौखिक उसे कहा गया है जिसे के द्वारा मानव बोलकर अपनी बातों को कहता है, बोलकर या सुनकर। बोलना या सुनना वे मौखिक रूप की श्रेणी में आते हैं, जिसमें मानव अपनी बातों को कहता है, अगला व्यक्ति उसे बातों को सुनता है और सुनकर वापस उस बातों का प्रत्युत्तर यानी रिप्लाई देता है, वह मौखिक रूप में कहलाता है। दूसरा है लिखित। लिखित उसे कहा गया है जिसमें लिखकर लिखना, जैसे हम कह सकते हैं रमेश ने सोहन को पत्र लिखा, पत्र एक बिल्कुल लिखित रूप है। इसमें हम कहेंगे अध्यापक ने कक्षा के अंदर भाषण दिया, भाषण एक मौखिक है और पत्र एक लिखित है। तो देखिए, दोनों रूप हो गए। एक के अंतर्गत व्यक्ति विशेष अपनी बातों को बोलकर अगले वाले को समझाने का प्रयास कर रहा है, दूसरी बातों को लिखकर। तो देखिए, पहला मौखिक हो गया, दूसरा लिखित हो गया। उसके बाद देखिए, भाषा का एक छोटा रूप कहलाता है, वह कहलाता है बोली। बोली हमेशा एक पर्टिकुलर एरिया में यानी एक परिक्षेत्र में बोली जाती है, जिन्हें हम लोकल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। तो आइए, बोली में कहा गया है कि एक छोटे क्षेत्र यानी एरिया में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहेंगे। एक निश्चित एरिया का भाषा का रूप बहुत बड़ा विस्तृत है, लेकिन बोली का रूप बहुत छोटा है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अवधि है, बराज है, भोजपुरी है, मारवाड़ी, इस प्रकार की अनेक प्रकार की जो बोलियां हैं जो अपने क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है, अपने एरिया के अंदर बोली जाती है, उन्हें हम बोलियां कहते हैं। अब देखिए,
इसी बात को लेकर इन दोनों को समझने का प्रयास करते हैं कि भाषा और बोली में क्या अंतर है मुख्य रूप से। अब देखिए कहा गया है कि भाषा एक विस्तृत होती है, बहुत बड़ी होती है, लेकिन बोली का जो एरिया है वह बहुत ही छोटा होता है। यानी छोटे क्षेत्र के अंदर बोली बोली जाती है और भाषा एक बहुत बड़े विस्तृत एरिया यानी बड़े एरिया के अंदर बोली जाती है, जिसका क्षेत्र विस्तृत होता है और इसका होता है छोटा। उसके बाद क्या है कि भाषा का मानक या लिखने का जो ढंग कहा जाता है, जिसके लिए स्क्रिप्ट कह सकते हैं कि उसको स्टैंडर्ड कहा गया है, कि भाषा का जो मानक रूप होता है यानी इसका कोई कोई लिखित रूप होता है जिसके अंतर्गत उसका एक ने कोई कोई लिपि होती है जिसके द्वारा पूरा का पूरा एक साहित्यिक लिखा जाता है। लेकिन बोली का कोई मानक प्राय नहीं होता, बोली उसी भाषा से जो रिलेटेड होगी उसी के अंतर्गत उसका मानक लिखा जाता है। उसके अलावा कि भाषा का लिखित रूप होता है और बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। भाषा का अपना एक साहित्य होता है यानी इसका एक व्याकरण होता है, लेकिन जो भी बोली होगी उसका कोई व्याकरण नहीं होता। जिस बोली को लिखा जाता है उससे रिलेटेड जो भी भाषा होगी उसी भाषा के अंतर्गत लिखा जाता है। जैसे सामान्यतः हम मारवाड़ी बोलते हैं, लेकिन हमारा जो लिखने का ढंग है, जो स्क्रिप्ट है, वो हिंदी का देवनागरी लिपि ही माना जाता है। उसी प्रकार देखिए ये दोनों बिंदु थे इसके, भाषा और बोली के। हमारी जो राजभाषा है, जो राष्ट्रीय भाषा से कहा गया है, वो हमारी है हिंदी। अब देखिए इसके साथ साथ हमारे जो भारतवर्ष के अंतर्गत अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। भारतवर्ष के अंतर्गत लगभग 22 भाषाएं बोली जाती है, 22 यानी भाषाओं का लेख किया गया है। इन 22 भाषाओं के अंतर्गत पूरे भारत जो राष्ट्रमंडल है उसके अंतर्गत ये भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भारत के अंतर्गत जो मान्यता प्राप्त जो भाषाएं, जिसमें हमने कहा गया मलयालम है, कोंकणी है, असमिया है, मैथिली है, संताली है, पंजाबी, सिंधी, कश्मीर, तमिल, गुजराती, डोंगरी, बोडो, नेपाली, संस्कृत, कन्नड़, उर्दू, मराठी, बंगला, तेलुगु, उड़िया और मणिपुरी, ये लगभग जो 22 भाषाएं, इन सारी भाषाओं के भारत की जो राजभाषा के अंतर्गत जो बनाई गई अनुसूचियाँ, उन अनुसूचियों के अंतर्गत इन सभी भाषाओं को मान्यता दी गई। उन भाषाओं के अंतर्गत जो हमारी मुख्य भाषा है, जो राजभाषा है, वह हिंदी है। यानी भारतवर्ष के अंतर्गत कुल कितनी भाषा बोली जाती है? 22 भाषा। उस 22 भाषा के अंदर हिंदी भी एक भाषा है और हिंदी भाषा को हमने राजभाषा का दर्जा दिया है। हिंदी के अंतर्गत भारतवर्ष में लगभग 1652 बोलियां बोली जाती हैं, जैसा कि आलेख किया गया है। यानी हिंदी के अंदर लगभग 1652 बोलियों को बोलने का माना गया है, जिन्हें हम प्रचलित कह सकते हैं। ये कहते हैं कि हिंदी हमारे भारतवर्ष में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी के अंतर्गत हमारे अनेक टेलीविजन हैं चलते हैं, सिनेमा है, दूरदर्शन के माध्यम से या अन्य संसाधनों के माध्यम से, अनेक प्रकार के संसाधनों के माध्यम से हमें हिंदी के द्वारा प्रचार के रूप में बतलाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं हिंदी भारतवर्ष के अंतर्गत सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है और इसकी लगभग 1652 बोलियाँ मानी गई हैं। ये विश्व के अंतर्गत लगभग दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है जो कहलाती हिंदी। तो देखिए ये हमारा सामान्यतः व्याकरण का भाषा बोली और भारतीय भाषा है और हिंदी था। उसके बाद हम अगला बिंदु पढ़ते हैं लिपि। अगला बिंदु हमारा है इसी श्रेणी के अंदर लिपि। लिपि से तात्पर्य होता है किसी भी भाषा के लिए बनाई गई जो स्क्रिप्ट है उसे हम लिपि कहते हैं, यानी लिखने का ढंग। तो कहा गया लिपि के लिए कहा गया कि भाषा को लिखकर रूप देने के लिए जिन चिन्हों का या जिन सिंबल का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताए गए भाषा और लिपि, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, उर्दू और फारसी की लिपि फारसी है, और कश्मीरी की शारदा है, पंजाबी की गुरुमुखी है, और मराठी और नेपाली की देवनागरी। पर हमारी जो हिंदी है, हिंदी और संस्कृत
भाषा उसकी भी लिपि देवनागरी है। लिपि से तात्पर्य हमारे अंग्रेजी के अंदर इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है स्क्रिप्ट। लिपि प्रत्येक भाषा को लिखने का एक व्यवस्थित ढंग या रूप कहलाता है जिसके द्वारा कोई भी भाषा को लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें कि अंग्रेजी की जो लिपि रोमन है जिस प्रकार से हम लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल का तौर पर ए लिखा। अब देखिए जो लिखने का तरीका है ये वाला, इस प्रकार से ये, तो ये लिखने का जो तरीका या आकृति है इसे हम रोमन कहते हैं। इसी प्रकार देखिए इस प्रकार की जो आकृति है जो हम हमारी हिंदी भाषा के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन ये आकृति जो बनावट है इसे हम लिपि कहते हैं। तो हम कह सकते हैं लिखने का एक व्यवस्थित ढंग और लिखने के ढंग के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं, जिन चिन्हों का प्रयोग किया तो ये लिपि। अब देखिए भाषा बोली और लिपि को सबको समझने के लिए एक व्याकरण होता है। व्याकरण के माध्यम से ही हम सभी भाषाओं को शुद्ध रूप से पढ़ना और लिखना सकते हैं, इसलिए इसके अंदर व्याकरण का होना अति आवश्यक है। व्याकरण कोई भी भाषा हो उस भाषा को बिल्कुल अनुशासित रूप में शुद्ध रूप में पढ़ाने का प्रयास करता है। इसीलिए कहा गया है कि व्याकरण से तात्पर्य तथा विश्लेषण करना, यानी जिस भाषिक विषय वस्तु को पढ़ा जाता है उसको बड़े ही सही तरीके से समझा जाता है और समझाया जाता है, तो वह व्याकरण के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए कहा गया विश्लेषण करना, उसके बारे में आलोचना विलोचना शुद्ध अशुद्ध सभी तर्कों को समझने के उपरांत सही अर्थ पर पहुँचना ही विश्लेषण कहलाता है। अब देखिए कहा गया है कि भाषिक व्यवहार में यानी बोलचाल के व्यवहार के अंतर्गत विश्लेषण के आधार पर भाषा के जो नियम बनाए गए उन नियमों के अंतर्गत कहते हैं कि किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का बोध कराने वाले जो शास्त्र हैं, यानी भाषा का शुद्ध रूप बतलाने वाला जो पुस्तिका या शास्त्र है वही व्याकरण कहलाता है। तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि किसी भी भाषा को शुद्ध रूप पढ़ने के लिए व्याकरण होना अति आवश्यक है। व्याकरण के माध्यम से ही हम शुद्ध भाषा पढ़ सकते हैं। कहते हैं कि व्याकरण किसी भी भाषा के लिए अत्यंत आवश्यक है। व्याकरण चाहे कोई भी विश्व की कोई भी भाषा हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, फारसी हो, कश्मीरी हो, मलयाली हो, डोगरी हो, बोडो हो, या कोई भी विश्व की अन्य भाषाएं या भारत की अन्य कोई भाषाएं, उसके लिए व्याकरण होना अति आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है कि व्याकरण का विषय साहित्य होता है जिसका कोई लिखित रूप होता है। व्याकरण सारे के सारे एक अनुशासन तरीके से अगले व्यक्ति विशेष को समझाने का प्रयास करता है। तो आइए हम जानते हैं कि व्याकरण की किन किन बातों का होना अति आवश्यक है, या व्याकरण की कौन सी ऐसी बातें जिनके द्वारा हमें भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ा जा सकता है। कहते हैं कि व्याकरण भाषा को परिमार्जित करके उसे मानक रूप यानी स्टैंडर्ड रूप देता है। भाषा को व्यवस्थित ढंग से बनाकर उसका एक कोई कोई निश्चित रूप बनाता है। दूसरी बात कहते हैं व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। व्याकरण हमें किसी व्यक्ति से इसको सही तरीके से समझाना या उसको बोलने में दिक्कत आ रही है तो हम व्याकरण के माध्यम से उसकी सारी कमियां दूर करकर उसको समझाया जा सकता है। कहते हैं कि शब्दों के अशुद्ध प्रयोग का कड़ा अनुशासन करता है। यदि कोई व्यक्ति विशेष द्वारा या किसी भी पाठ्यपुस्तक या किसी भाषा के अंतर्गत कोई गलती रह जाती है तो उस गलती को शुद्ध करने के लिए या सही करने के लिए वहाँ पर व्याकरण को पढ़ा जाता है और भाई ग्रामर उसकी गलती को निकालकर उसको सही तरीके से लिख रहे हैं। चाहे वर्ण की गलती हो, चाहे शब्द की गलती हो, या किसी मात्रा की गलती हो, तो वहाँ पर यदि वाक्य की रचना की गलती हो तो वहाँ पर हमें ग्रामर यानी व्याकरण इसको शुद्ध करके बतला। उसके साथ क्या कहें कि उसे व्यवस्थित करके ही नियम बनाता है, यानी जो भी भाषा हो उसको पढ़ने के लिए उसके एक व्यवस्थित नियम बनते हैं, उस नियमों के तहत ही पढ़ा जाता है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि व्याकरण हमें
या हमें हमारी भाषा को शुद्ध रूप से सिखाने का प्रयास करता है। अतः जो कोई भी भाषा होगी उसका एक व्याकरण निश्चित होगा और उस व्याकरण के माध्यम से ही उस भाषा को पढ़ा जाएगा या एक भाषा से दूसरी भाषा को समझने के लिए उन दोनों भाषाओं का ग्रामर के द्वारा ही हम उस विचारों को आदान प्रदान समझ सकते हैं। व्याकरण के अंतर्गत अगला बिंदु है हमारा कि व्याकरण के तीन भेद मानेंगे। व्याकरण कितने भेद है? तीन भेद यानी तीन प्रकार है जिसमें बताया गया, पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। इन तीनों के माध्यम से हम पूरी की पूरी व्याकरण माला पढ़ते हैं। पहला बिंदु हमारा है वर्ण विचार। वर्ण विचार उसे कहा गया है जिसके अंतर्गत वर्णों की बनावट कैसी हो, उच्चारण कैसे हो, उसको लिखने का ढंग कैसे हो। कि वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों की लिखावट यानी अक्षर कैसे लिखा जाता है, आ ई उ जो भी हमारे इस प्रकार के जो वर्ण होते हैं उन वर्णों को कैसे लिखा जाए, उसकी बनावट कैसी हो, उसको लिखने का ढंग कैसा हो, वो सारे के सारे जो वर्णों से संबंधित जो भी हम विरचना पढ़ते हैं वो सारे सारे वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़े जाते हैं या वर्णों संबंधी जो भी विचार किया जाता है उसे हम वर्ण विचार कहते हैं। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों के भेद यानी सार्थक निरर्थक जिस प्रकार से शब्द पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसका रूप कैसा हो, शब्दों का रूप कैसा है, ये तत्सम रूप है, तद्भव रूप है या जो भी इसका रूप बनता है वो पढ़ा जाता है। फिर शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, शब्द कहाँ कहाँ से आए तो उसको भी पढ़ा जाता है, और प्रयोग यानी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कैसे हो। तो इस प्रकार से जिस श्रेणी के अंतर्गत शब्दों के बारे में पढ़ा जाता है, शब्दों का भेद रूप उत्पत्ति या उसका प्रयोग कैसे किया जाए, वो सारे के सारे शब्द विचार के अंतर्गत आते हैं जो व्याकरण का दूसरा भेद है। तीसरा है वाक्य विचार। वाक्य माना सेंटेंस का है, सेंटेंस के रिलेटेड जिसे कहा गया है कि वाक्य में के अंतर्गत वाक्य की रचना कैसे बनाई जाती है उसको पढ़ा जाता है, वाक्य के प्रकार कैसे हैं, फिर उसका प्रयोग कैसे किया जाता है और विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे वाक्य में किया जाए, वह सारी जो बातें पढ़ी जाती हैं वो सारी की सारी वाक्य विचार किए जाते हैं। तो व्याकरण के जो मुख्य तीन भेद बताए गए, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये तीनों व्याकरण के मुख्य भेद थे। इस प्रकार से हमने भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण को पढ़ा। इसकी जो हमने जो जानकारी वो आपको देने का प्रयास किया, उसके अलावा हम आपको कुछ जो इसके अभ्यास प्रश्न और कुछ मुख्य बातें जो आपको हम अपने ग्रुप के अंतर्गत टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से भेजेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।